गया के सरकारी स्कूल परिसर के बाहर बम विस्फोट होने से दो बच्चे घायल, बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल के बाहर बम विस्फोट होने से दो बच्चे घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वजीरगंज थाना अंतर्गत मौजूद एक सरकारी स्कूल के बाहर यह विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की वजह से दो बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर बम निरोधी दस्ता पहुंचकर जांच में जुट गई, पुलिस भी वहां उस वक्त मौजूद थी। बताया जाता है कि सुबह 10:30 बजे प्राथमिक विद्यालय मुरली चायक में अचानक विस्फोट हुआ। देसी बम के छर्रे लगने से दो बच्चे घायल हो गए। विनोद मांझी का 10 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र कुमार और दुलारचंद मांझी का 9 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार छर्रे लगने से घायल हो गए। सत्येंद्र कुमार 4थी कक्षा का छात्र है, जबकि नीरज कुमार 3री कक्षा का छात्र है। वहीं बम की आवाज़ सुनकर 4 बच्चे बेहोश हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि वजीरगंज में एक स्कूल के बाहर में बम विस्फोट की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिनमें 2 छात्र घायल हो गए हैं। मौके पर बम निरोधी दस्ता को भेजा गया, मामले की छानबीन की जा रही है। तब ग्रामीणों ने बताया कि बीते रात गाँव में भी 2-3 जगह विस्फोट हुए थे। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। गया था स्कूल में, वहाँ पर बाहर निकला स्कूल के कमरा से, अचानक ही लोग पेशावक उसी में पैर भी उसको बधा कुछ वही में लग इसको विस्फोट हो गए। कहता कि बम ने तबाह किया और अस्पताल इसका गार्जियन सब लेके आए हैं। कैसा है अभी बच्चा, क्या इसका? तो एक बच्चा का है, उसका ज़्यादा है सत्येंद्र कुमार का, उसमें थोड़ा स्किन वगैरह थोड़ा गठर थोड़ा सा ज़्यादा जख्म टाइप का हो गया है। एक खतरा से बाहर कोई दिक्कत नहीं, उतना है ठीक हो जाएगा, दबाव चलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपके बम की फोटो है तो हम तो देख नहीं सकते हैं कि बम था क्या था। फिर वहाँ के मास्टर या गार्जियन जो होंगे बच्चे के, वही लोग बता सकते क्या है नहीं। क्या क्या नाम है बच्चा को? एक का नाम है सत्येंद्र कुमार, पिता विनोद मांझी, उसका 10 साल उम्र है, शादी ब्याह कराने वाला है। दूसरा है नीरज कुमार, उसका पिता का नाम दुलारचंद मांझी, 8 वर्ष का है। रेखा सिंह, आप क्या हैं? प्रभारी प्रधान अध्यापक। कौन स्कूल में? मध्य विद्यालय मुर्गिया चौक। मध्य विद्यालय मुर्गिया चौक। क्या हुआ आपके यहाँ घटना, कैसे क्या हुआ? गए हम लोग स्कूल में थे, सारा स्टाफ बच्चा लोग सब था। अच्छा। तो बाहर विद्यालय के बाहर बगीचा है। अच्छा। तो वही पेड़ पौधा था। हाँ। वही मतलब कि देखे 10:30 के लगभग बहुत दस के आवाज हुआ। 10:30 बजे? हाँ, 10:30 के लगभग। अच्छा। आवाज हुआ बहुत जोर से, पूरा विद्यालय धुआं से भर गया। हाँ। 3-4 बच्चा बेहोश हो गया डर से। अच्छा। हम लोग भी अखबार आ गए, क्या हुआ। फिर शाम हुआ तो देखे बाहर गए, देखे कि 2 बच्चा घायल है। कौन कौन बच्चा है, नाम उसका? सत्येंद्र कुमार है, एक नीरज कुमार। सत्येंद्र कुमार कौन कक्षा में पढ़ता है? 4। और नीरज? 3। सत्येंद्र का उम्र कितना है? 10-11 लगभग होगा। और नीरज का? नीरज का 8-9। अभी ठीक ठाक है जी? उपचार, प्राथमिक उपचार हुआ है हॉस्पिटल में। थाना को सूचना दिए हैं? थाना को? हाँ। तो क्या बोले थाना? बोले कि जाइए हॉस्पिटल में, बच्चा है, अभी देखिए हम भेज रहे हैं वहाँ विद्यालय में। विद्यालय में भेज रहे हैं जी। तो अभी पुलिस पहुँची वहाँ की नहीं पहुँची? हमको तो मालूम नहीं। कितना देर हो गया घटना? बीओ साहब तो गए थे वहाँ। बीओ साहब गए हैं जी? बीओ साहब को भी फोन किए थे। अच्छा। तो वहाँ विद्यालय में गए, फिर यहाँ भी आए हुए हैं बीओ साहब। वहीं जा रहे हैं वहाँ पर भी मिल रहा है। हुआ तोरा? सत्येंद्र कुमार। स्कूल पढ़े ला कै बजे गया था तू? 9 बजे ला। तो कोची हुआ कैसे तुमको? जा रहे थे, कुछ नहीं पता लगा रास्ते में। अच्छा। पता नहीं था। हाँ। नहीं पता लगा। लात से बजा तो फट गया, वो आवाज किया। अच्छा। उसके बाद तुम बेहोश हो गया था कि चोट लगा था? बेहोश नहीं हुआ था। तो देखा था फिर कि वो कितना जोर से आवाज किया है? आवाज तो सर घर तक आया, तगड़ा आवाज। और कई लेकिन तुम लोग चोट लग गया? दोनों का। और नहीं तुम्हारे साथ हो कोई था? स्कूलिया कर कितना दूर बाहर में था कि स्कूल में था? स्कूल के बाउंड्री में, बाहर में। अब कहीं दर्द उर्द कर रहा है कि पैर में है खाली? तोरा क्या नाम है बाबू?
कौची? नीरज कुमार। तुम्हारा पता चला था कौची हुआ? नहीं पता चला था, यही देखा था। विनोद मानी कैसे हुआ? आवाज हुआ किसी से, घायल हो गया। क्या आवाज हुआ, कुछ पता चला? पता, हम तो उधर नहीं गए, कोई दूसरा को उठा के ले गए उधर स्कूल की तरफ से। तो पता चला कि उन्हें आवाज हुआ? हाँ, बोल रहा है सबकी बम है, पूरा झोला गया बच्चा, घायल हो गया। तो बच्चा कैसा है, आप देखें आप? हैं, बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है, वही ज़्यादा ही फट गया है मास्क टेमक बगल वाला, टाका उका पड़ा है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो उसने थोड़ा लगा झड़का उड़का जो ला लिया। दोनों बच्चा आप ही का है? नहीं, हमारा एक बच्चा सतेंद्र कुमार। सतेंद्र कुमार, क्या नाम है आपको? विनोद मांझी। विनोद मांझी, कहाँ के हैं आप? सिद्धानी भी। सिद्धानी भी, हाँ। कौन विद्यालय में गया थे पढ़ने? मुर्गिया छत विद्यालय। मुर्गिया छत विद्यालय। आपको क्या? दुलाचंद मांझी। दुलाचंद मांझी, क्या बच्चा का नाम है? नीरज कुमार। क्या हुआ था इसको, कुछ पता है? पढ़ने गया था तो उधर स्कूल देने जा रहा था, उधर मतलब कि बम रखा था ना, मतलब कि पैर उससे बज बज गया था, मतलब कि। आपको कैसे पता चला कि वो बम रखा हुआ था? रात में छूटा था, आवाज़ आया ना। रात में भी छूटा था? रात में चार पांच बार आवाज किया। चार पांच बार, कितने टाइम के लम्ब? दस बज के लम्ब सब में हुआ। अच्छा, तो आप लोग सूचना नहीं दिए थे किसी को? हम लोग सूचना कैसे दे दें, हम लोग गरीब आदमी, अगर आज के डेट में गरीब आदमी को कोई बात नहीं समझेगा। अच्छा अच्छा, समझते, अगर हम लोग सूचना दे देंगे तो। हम लोग सूचना मिला तो बच्चा आपको कहाँ था? स्कूल में